Class 7, Chapter 12, Algebraic Expression. Question 6 is of exercise 12.2. Okay. First point is from the sum of 3x minus y plus 11 and minus y plus 11. Means इन दोनों का sum. ठीक है, इन दोनों का सम. उसके बाद इन दोनों के सम में से फ्रॉम है तो इसके से सम में से क्या सबट्रैक्ट करना है, ये सबट्रैक्ट करना है. गोट इट? फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना पड़ेगा अपन को, यहाँ पे टू सम्स एक साथ दिए हैं. ठीक है, तो पता इसको टू टाइम सोल्व करना, मीन्स पहले तो सम करना है उसके बाद में सबट्रैक्ट करना. सबट्रैक्ट किस में से करना, मैंने क्या बताया था, फ्रॉम लिखा हो. ठीक है, मीन्स इन दोनों में माइनस करना है, लेकिन पहले इन दोनों का सम करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा. गॉट इट? तो ये और ये पहले इन दोनों का सम करते हैं. ये देखिए, पहले इन दोनों का सम करना पड़ेगा, उसके बाद में सबट्रैक्ट करेंगे. ठीक है, तो इतना राइट किया प्लस, और यहाँ पे माइनस है, टू साइन एक साथ नहीं आती, इसलिए इसमें ब्रैकेट लगा दी. ओके, पहले अपन ब्रैकेट ओपन करेंगे, 3x माइनस वाई प्लस 11 प्लस माइनस माइनस बाय प्लस माइनस माइनस 11 अगर ब्रैकेट के बाहर. ठीक है, प्लस है तो उसको एज इट इज अपन राइट कर लेते हैं डिजिट को. अगर माइनस है तो अंदर के साइन चेंज हो जाते हैं, इतनी बात याद रखना. गुड, अगर ब्रैकेट के बाद माइनस है तो ब्रैकेट के अंदर के साइन चेंज हो जाते हैं, अगर प्लस है तो साइन चेंज नहीं होती. गुड, ये देखिए मैंने माइनस वाई और माइनस 11 एज इट इज राइट किया, बस यहाँ पे ब्रैकेट ओपन हो गया. ओके, तो अभी देखिए x और कहीं पे दिख रहा है, नहीं दिख रहा, तो यहाँ पे 3x का 3x राइट किया. ठीक है, बाय और ये भी बाय है, तो माइनस वाई और माइनस वाई, तो 2y हो जाएगा माइनस 2y. गुड, तो अभी देखिए प्लस 11 माइनस 11 है, तो ये वन डिजिट प्लस वन डिजिट माइनस है, तो ये कट हो जाएगा. गुड, तो मीन्स इन दोनों का प्लस ये आ गया अपने पास. ठीक है, इन दोनों का प्लस कितना आ गया, 3x माइनस बाय. ठीक है, अब इसमें बोला क्या गया था, इन दोनों का क्या करना था, प्लस करना था, तो इन दोनों के प्लस में से मीन सम में से क्या माइनस करना है, 3x माइनस वाई माइनस 11. ठीक है, इन दोनों के सम में से, तो ये देखिए इन दोनों का सम, तो ये अपने पास ये आ गया अब. ठीक है, ये फर्स्ट स्टेप थी, तो इसमें अपन राइट कर सकते हैं फर्स्ट स्टेप. ठीक है, अब सेकेंड स्टेप में क्या करना है यहाँ पे. ठीक है, ये सिर्फ संबंधित लिख रहे हैं, राइट भी कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम. ओके, अब इन दोनों के सम में से मीन्स 3x माइनस 2y. ठीक है, इन दोनों के सम ये अपने पास सम आ गया, मीन्स इन दोनों के सम का आंसर आ गया, तो इन दोनों के सम में से क्या सेपरेट करना है, 3x माइनस वाई माइनस 11. 3x माइनस वाई माइनस 11 अगर सेपरेट करते हैं तो ऑलवेज ब्रेकेट लगाते हैं. गोट इट? तो अभी देखिए 3x माइनस 2 बाय माइनस, ओके, माइनस 3x ब्रेकेट ओपन करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, साइन चेंज हो जाएंगे. मैंने इसमें बताया हुआ था अगर ब्रेकेट के बाद माइनस है तो अंदर का साइन चेंज हो जाते हैं. ओके, और यहाँ पे माइनस है तो माइनस माइनस प्लस बाय, यहाँ भी माइनस है माइनस माइनस प्लस 11. तो यहाँ पे अब ये देखिए ये डिजिट प्लस है, ये डिजिट 3x माइनस है, सेम होना चाहिए, ये भी 3x है, ये भी 3x है, प्लस माइनस है तो ये कट हो जाएगा. ठीक है, तो अब यहाँ पे बचता क्या है, माइनस 2y प्लस y एंड प्लस 11. तो अभी देखिए माइनस 2y एंड प्लस y, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, तो 2y में से 1y जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा, ओनली y बचेगा, लेकिन बिग डिजिट माइनस है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस. अब बचता क्या है, प्लस 11. अब यही अपना आंसर है, क्योंकि अब इसके अलावा अब यहाँ पे कुछ नहीं होना, क्योंकि माइनस के बाद यही बचवा. ओके, क्वेश्चन समझ आया, इसमें क्या था, सिर्फ इन दोनों का सम, मीन्स इन दोनों के सम में से माइनस करना. फर्स्ट ऑफ ऑल क्या किया, इन दोनों का प्लस किया, प्लस करने पर आंसर ये आया, जो भी आंसर आएगा उसमें से माइनस करना था. ठीक है, माइनस लगाकर माइनस किसको करना था, इसको करना था, सबट्रैक्ट करना था, उसके बाद में ये सबट्रैक्ट किया, उसके बाद में जिस तरीके सॉल्व करते हैं, सॉल्व करने पर ही अपना आंसर आ गया. ओके, ए पॉइंट कंप्लीटेड. नाउ सेकंड पॉइंट इज, अब सेकंड पॉइंट देखिएगा, फ्रॉम द सम,
बी पॉइंट इज फ्रॉम द सम ऑफ 4 प्लस 3x प्लस 5 माइनस 4x प्लस 2x स्क्वायर. मीन्स क्या, इन दोनों का सम, पहले इन दोनों का सम करेंगे सेम कंडीशन. इसमें से क्या माइनस करना है, इन दोनों का सम. ये देखिए, सब्ट्रैक्ट फ्रॉम द सम ऑफ, इन दोनों के सम में से ये माइनस करना. फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, इन दोनों का सम राइट कर लेते हैं. 4 प्लस 3x, 5 प्लस 4x प्लस 2x स्क्वायर. ये देखिए, इस तरीके से प्लस लगाकर फर्स्ट स्टेप राइट कर दिया. ओके, तो अब इसको सॉल्व करते हैं. 4 प्लस 3x, ठीक है, तो पहले x वाले टर्म राइट कर लेते हैं 3x, और ये माइनस 4x है. ठीक है, अब यहाँ पे प्लस 2x स्क्वायर, और 4 5 और बचा हुआ है, तो प्लस 4 प्लस 5. मीन्स ये है कि लाइक टर्म अरेंज करना, 3x और x के साथ में x वाला टर्म भी आ सकता है, तो वो कहाँ, ये है माइनस 4x. ठीक है, फिर 2x स्क्वायर राइट कर दिए यहाँ पे, ये 2x स्क्वायर, इसको 2 राइट कर देती है, प्लस 2x स्क्वायर, गोट इट, और प्लस 4 प्लस 5. ओके, तो अभी देखिए, प्लस माइनस माइनस, 4 में 3 जाएगा तो 1x बचेगा, लेकिन बिग डिजिट माइनस तो माइनस. ठीक है, प्लस 2x स्क्वायर, बिकॉज x स्क्वायर वाला टर्म एक ही है, 4 5 कितने हो जाएंगे, प्लस 9. ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो बिग पावर है, पहले इसको राइट कर लेते हैं, फिर माइनस x प्लस 9. ओके, ये फर्स्ट स्टेप हो गई. अब सेकेंड स्टेप में क्या करना है, ये देखिए, सेकेंड स्टेप में द सम ऑफ, मीन्स इन दोनों का सम भी राइट करना पड़ेगा. गॉट इट, 3x स्क्वायर माइनस 5x, यहाँ पे प्लस लगाएंगे, माइनस x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5. ठीक है, इन दोनों का सम राइट कर लेते हैं. ये देखिए, इन दोनों का सम राइट कर लिया, सेकेंड स्टेप. ठीक है, प्लस लगाकर सेकेंड टर्म, तो 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस माइनस माइनस हो जाएगा. ठीक है, प्लस माइनस माइनस x स्क्वायर प्लस 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 2x प्लस 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 5. ठीक है, x स्क्वायर वाला मिस टर्म कहाँ पे है, x स्क्वायर 3x स्क्वायर, और x वाला ये है, इसके साथ में ही आएगा x स्क्वायर. अब 5x और 2x, माइनस 5x प्लस 2x प्लस 5, 3 एंड 1. ठीक है, प्लस माइनस माइनस, 3x स्क्वायर में से 1x स्क्वायर जाएगा तो 2x स्क्वायर बचेगा. ठीक है, प्लस माइनस माइनस, 5 माइनस 2 माइनस होगा तो क्या होगा, 3x, बिग डिजिट माइनस एंड माइनस प्लस 5. ठीक है, अब अपने पास दोनों स्टेप आ गई है. ठीक है, दोनों स्टेप आ गई है, इसके बाद करना क्या है, अब देखते हैं. ये देखिए, इन दोनों की सम में से फ्रॉम लगा हुआ है, तो इन दोनों का प्लस जो भी आया है, उसके आंसर में से इन दोनों के आंसर को माइनस करना है. ठीक है, जो सेकेंड स्टेप में अपने प्लस किया, जो भी आंसर आया है, उसको सब्ट्रैक्ट करना है इन दोनों के सम में से. मीन्स ये देखिए, जो फर्स्ट स्टेप है, ठीक है, ये अपन राइट कर चुके हैं, फर्स्ट स्टेप के आंसर में से सेकेंड स्टेप के आंसर को सब्ट्रैक्ट करना है. ये देखिए, फर्स्ट स्टेप का आंसर माइनस सेकेंड स्टेप का आंसर, गॉट इट. तो अभी देखिए, पहले तो ब्रैकेट ओपन करते हैं, 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 9 माइनस 2x स्क्वायर, इसको एज इट इज राइट कर देंगे, पहले ब्रैकेट ओपन करेंगे. ठीक है, माइनस माइनस प्लस 3x माइनस प्लस माइनस 5, गॉट इट. तो अभी देखिए, ये प्लस माइनस तो ये कटेगा क्योंकि सेम है. ठीक है, अब क्या बचता है, माइनस एक्स और प्लस 3x प्लस 9 एंड माइनस 5, गॉट इट. तो अभी देखिए, प्लस माइनस माइनस 3 में से 1 जाएगा तो 2x, प्लस माइनस माइनस तो ये क्या बचेगा, 4, लेकिन बिग डिजिट प्लस है तो प्लस. ठीक है, तो ये अपना आंसर आ गया. ओके, दिस इज आंसर. एंड क्वेश्चन 6 कंप्लीटेड. सो दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज 12.2. थैंक यू.